दोस्तों, सरकार अल सैयद मोहम्मद जाफिरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़ी अल्लाह ताला अपने चाहने वालों की दावत पर उनके पास तशरीफ भी ले जाते थे। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ज़िला अटक की तहसील फतेह जंग के एक ग्राम झंडियाल और उसके इर्द गिर्द के सरदारों की दावत की है, जिस पर 1992 में आप तशरीफ ले गए। ये वो इलाका है जहाँ आप कई बार तशरीफ ले गए थे, जिनमें से 6 मौके की वीडियो मुझे दस्तियाब हुई है। उनमें से एक ये है जो इस वक्त आपके सामने है। दोस्तों, सरकार अल सैयद मोहम्मद जाफिरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़ी अल्लाह ताला का ये मामूल था कि वह जुमातुल मुबारक का दिन गुजारने के बाद हफ्ते के रोज़ सफ़र को पसंद फरमाते थे, यानी बरोज़ हफ्ता सुबह 9 से 10 के दरमियान नगरी पाक जमन शाह से रवाना होते और उनका पहला पड़ाव ज़िला बखर में शबीह कसर आलिया जनाब मलका शाम मादर आउन मोहम्मद सलवातुल्लाह अलैहा होता था, जहां वो जियारत भी करते और कुछ देर क़याम भी फरमाते और फिर उसके बाद आगे रवाना हो जाते। दोस्तों, सरकार अल सैयद मोहम्मद जाफिरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़ी अल्लाह ताला की ज़ात एक 1000 डायमेंशनल शख्सियत हैं। आज मैं एक और डायमेंशन से उनका रूप आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें वो बज़ाहिर तो सैर व तफरी करते, हंसते मुस्कराते, भागते दौड़ते, गेम्स खेलते नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत ये भी नुसरत इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजल शरीफ का एक अंदाज है, जिसकी मैं साथ साथ वजाहत करूंगा। एक अरसा से उनके चाहने वालों की ये डिमांड रही है कि उनके ये सैर व तफरी के प्रोग्राम भी शेयर किए जाएं, लेकिन शायद हर चीज़ का वक्त होता है, या यूं कहूं कि शायद मुझ में तब वो सलाहियत ही ना थी कि ऐसे प्रोग्राम्स की एडिटिंग करता। तो अब उस ज़ात के करम से कुछ मज़ीद दरवाजे खुले हैं, तो अब मैं ये तमाम प्रोग्राम मुर्शिद पाक दामज़ी अल्लाह ताला से प्यार करने वालों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यकीनन ये रूप उनके चाहने वालों के दिलों को बाग बाग कर देगा। हाँ, जो लोग उनकी शख्सियत से नावाकिफ हैं वो तनकीद भी करेंगे, लेकिन अब सारा जमाना जानता है कि किस तरह उन्होंने इंसानियत को जुल्मत से निकाल कर बलदुल अमीन का सफर करवाया है, जो कि अब एक ना थमने वाला सिलसिला बन गया है। और अन करीब इस सफीना तो निजात के मुसाफिर अपनी मंजिल हकीकी को पाने वाले हैं। अब भी अगर कोई इन पर तनकीद के निश्तर बरसाता है तो उसका अपना नसीब। हाँ, तनकीद तो हमेशा से राह हक पर चलने वालों पर होती चली आ रही है, लेकिन तारीख गवाह है कि अबदी फतह उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनी जिन्हें जमाने भर ने रुसवा किया। दोस्तों, ये कुफियाना अमल भी जारी रहेगा और हक को फैलाने वाले अपना काम भी करते रहेंगे। मकानी हूँ के आजादे मका हूँ, मकानी हूँ के आजादे मका हूँ, जहाँ मैं हूँ के खुद सौरा जहाँ हूँ, मैं हूँ मशहूर इश्क बाजी में, मैं हूँ मशहूर, मैं हूँ मशहूर इश्क़बाज़ी में, मैं हूँ मशहूर इश्क़बाज़ी में, मौला 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 मेरे मुर्शिद मौला मुर्शिद मौला मौला बौला, मैं हूँ मशहूर
दोस्तों उनका दूसरा पड़ाव हमेशा मियांवाली के बाद आने वाले पहाड़ी सिलसिले की पहली पहाड़ी होती थी। नगरी बाग जम्मन शाह से बखर का फासला 90 किलोमीटर है। इससे आगे 130 किलोमीटर के फासले पर मियांवाली का शहर है और वहां से ये पहाड़ी सिलसिला 50 किलोमीटर के फासले पर है। इस तरह कुल 270 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वो इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते जो ढक के नाम से मशहूर है। इसके पहलू में इस वक्त नमल यूनिवर्सिटी भी कायम है और साथ ही इंतहाई खूबसूरत झील भी है जो नमल झील कहलाती है। यहाँ पहुंचकर सरकार आधा पौना घंटा स्टे भी करते और इसी मकाम पर हल्का फुल्का लंगर भी किया जाता और इसके बाद यहाँ से अर्जो समा कहां तेरी फुसत को पा सके। अर्जो समा अर्जो समा अर्जो समा मौला 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 मेरे माला 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 मौला मौला मौला। अर्जो समा कहां तेरी फुसत को पा सके। मेरा ही दिल है वो के जहां तू समा सके। मैं हूं मशहूर इश्क बाजी में। मैं हूं मशहूर इश्क बाजी में। आसा दर्द गम आसा दर्द गम मजा मजा दीबे। मैं मशहूर दोस्तों तकरीबन हर साल ही सरकार को कैमलपुर जो कि जिला अटक का पुराना नाम है यहाँ तशरीफ लाने की दावत दी जाती थी और ये दावत कभी सरदार अहमद खान लुंड की जानिब से दी जाती थी और कभी सरदार अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से दी जाती थी जो कि सरदार नूर खान के फर्जंद है। सरदार नूर खान साहब के बारे में मैं पिछले प्रोग्राम में कुछ न कुछ अर्ज कर चुका हूँ। इस वीडियो में तो इस्तकबाल के मनाजिर नहीं दिखाए गए लेकिन इस्तकबाल ऐसे होता कि जिनकी दावत पर सरकार तशरीफ ले जा रहे होते वो और उनके कुछ दीगर चाहने वाले तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर आगे आकर सरकार का इस्तकबाल करते। फिर उनसे पीछे 5-6 किलोमीटर बाद नौजवानों की टीम सरकार का इस्तकबाल करती। फिर सुरला पहाड़ी के मोड़ पर जहां से मुड़ने के बाद झंडियाल ग्रां तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर था वहां नौ उम्र लड़कों की टीम होती और झंडियाल के अंदर गली की नुक्कर पर छोटी बच्चियां और बच्चे अपने मासूम चेहरों के साथ सरकार का इस्तकबाल करते और इस तरह वो झंडियाल सरदार अल्ताफ हुसैन साहब के डेरे पर पहुंच जाते। ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैमलपुर पहुंचने के बाद दूसरे दिन के हैं। इस वक्त सरकार तनाजा डैम और खैरी मूरत पहाड़ की जानिब सफर कर रहे हैं और इसी रोड के किनारे एक मकाम पर ये देवहैकल चट्टाने हैं। इस मकाम पर भी सरकार अक्सर रुककर कुछ वक्त गुजारते थे। यहाँ लड़कों से कहा जाता कि जो इनकी चोटी के ऊपर हाथ लगा के आएगा उसे इनाम मिलेगा और इस तरह सब लोग इस शुगल मेले से महसूस होते और वापसी पर उन्हें इनाम भी दिया जाता।
ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ
दोस्तों, इस हस्ती के राजों को पाना तो अमरे महाल है और खासकर मुझ जैसे के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन जितनी मुझे उन्होंने तौफीक अता फरमाई है उसके मुताबिक मैं ये कहने में हक बजानेब हूँ कि मुर्शिद करीम सरकार अल सैयद मोहम्मद जाफिरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़िल्लाहु ताला की ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी बेमकसद नहीं गुजरा। उन्होंने पल पल बल्कि हर पल हमें वलीउल असरा जल्लाहु फर्जो शरीफ की नुसरत में गुजारने का अमली दर्स देते हुए गुजारा है और उंगली पकड़ कर समझाया है कि महबूब हकीकी पर अपनी जिंदगी का हर पल निसार करते कैसे हैं। दोस्तों, हो सकता है इस प्रोग्राम को और इस जैसे दीगर प्रोग्राम्स को कोई उनकी इंटरटेनमेंट समझ ले, तो मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज नहीं है। बात अगर रात से शुरू करूं कि दिन भर के मामूलात से फरागत के बाद जिस वक्त वो रात को लंगर तनावर फरमाते तो उसके बाद वो लोगों से एक बार फिर बैठक करते जिसमें हंसी मजाक और दिल लगी भी होती। लोग सरकार को मुख्तलिफ वाक्यात सुनाकर खुश करते, जबकि सरकार जाफिरुज़्ज़मान दामज़िल्लाहु ताला अपने मखसूस दिल मोह लेने वाले अंदाज में जब हंसी मजाक करते और बामकसद लतीफे सुनाते तो वो सुनने वालों के दिलों पर नक्श हो जाते। वो उस हंसी मजाक की महफिल के मरकजी सितारे होते कि जिसमें अपने पराए सब शामिल होते। जहां जाते उस इलाके के कितने ही लोग उनसे मिलने के लिए आ जाते। यहां वो हंसी मजाक के दौरान इंतहाई खूबसूरत और भरपूर अंदाज में अपने मकसद और मिशन की तबलीग भी फरमाते।
لوگوں میں ادب و احترام پاک خاندان علیہ السلام کو رائج کرنے کی کوشش بھی فرماتے، انہیں واقعات اولیاء و انبیاء و کربلا سنا کر اس نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کا درس دیتے۔ لوگ جس طرح کا بھی سوال کرتے انتہائی خوش مزاجی سے ان کا جواب دیتے، چاہے اس سوال کی آڑ میں انہی پر ہی کوئی طنز کا تیر کیوں نہ پھینکا جا رہا ہوتا۔ اس طرح ڈیڑھ دو گھنٹے کی محفل کے بعد اگلے دن کا پروگرام بتا کر سب کو چھٹی دی جاتی کہ اب آپ لوگ جائیں اور آرام کریں۔ خود اپنی آرام گاہ میں تشریف لے آتے اور ڈائری اٹھا کر کلام لکھنے بیٹھ جاتے، اور دوستو انہی ایام میں وہ سینکڑوں کلام لکھ ڈالتے تھے۔ یہ اس طرح کی وضاحتوں کے لیے موضوع وقت نہیں ہے، ورنہ میں ڈائریز کے پیج دکھاتا جہاں ہر کلام پر ڈیٹ تحریر کی ہوئی موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ہفتہ سحر و سیاحت کے دوران انہوں نے کتنے کلام تحریر فرمائے۔ پھر صرف کلام ہی تحریر نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کی دھنیں بھی ترتیب دیتے تھے، کیونکہ اکثر ڈائریز میں کلام کے ساتھ راگ کے سرگم بھی ہمیں لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس وقت کلام تحریر فرماتے تھے تو ساتھ ہی اس کی دھن بھی ترتیب دے دیتے تھے۔ اور دوستو میرے اندازے کے مطابق چاہے وہ نگری پاک چمن شاہ میں ہوتے یا باہر، رات کو کبھی نہیں سوئے بلکہ نصف شب تک وہ یہ کام کرتے، اور اس کے بعد نماز تہجد اور دیگر عبادات کے بعد اول وقت میں نماز صبح ادا کرنے کے فوراً بعد ناشتہ پسند فرماتے اور اس کے بعد سو جاتے، اور پھر 9 بجے تک آرام فرماتے تھے۔ اور میرے اندازے کے مطابق یہی ان کا ساری زندگی کا معمول رہا ہے۔ یہاں دوران سیر و سیاحت دن میں ان کی کیا کیا مصروفیات ہوتی اسے میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تو اس وضاحت کا مطلب یہ تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر، ان کی پوری زندگی اسی راہ پر گامزن نظر آتی ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے بھی کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ تو بس ایک فلم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی فلم میں ہی منزل کی نشاندہی ہے۔ اللہ ہی اللہ کر پیارے بھائی، اللہ ہی اللہ، او ٹھنڈی آہیں نہ بھر پیار، نہ بھر پیار، نہ بھر پیار بھائی، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کر پیارے بھائی، اللہ ہی اللہ، مولا ہی مولا ہو۔ نہیں ہے جس کا ہوتا نہیں سویرا، او کانٹوں کا دکھ، او کانٹوں کا دکھ جھیلنے والے پھولوں پہ بھی حق ہے تیرا، سکھ دے چاہے دکھ دے داتا، سکھ دے چاہے دکھ دے داتا، ہنس کے جھولی بھر پیار بھائی، اللہ ہی اللہ کر پیار بھائی، اللہ ہی اللہ، مولا ہی مولا ہو۔ دل میں کھوٹ نہیں تو
अपने किए पे क्यों पछताना। बांट ले दर्द किसी का जग में और यहां से क्या ले जाना। जब तक साफ है दिल का शीशा, जब तक साफ है दिल का शीशा, दुनिया से ना डर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, डर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। जाने कब, ओ क्या जाने कब सपने टूटे, उजड़ जाए खुशियों का मेला। और कब ये किस्मत, और कब ये किस्मत छोड़ दे तुझको लाके दो राह पे अकेला। कितने मोड़ अभी है बाकी, किसको है ये खबर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, डर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। कभी कभी इस दुनिया में यारो ऐसे फरिश्ते भी आते हैं, किसी को अपना सब कुछ देके खाली हाथ चले जाते हैं। जैसे सुख की छाया देके, बादल जाए बिखर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, डर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, और ठंडी आहें ना भर प्यार, ना भर प्यार, ना भर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, डर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। अल्लाह ही अल्लाह, कर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, कर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, कर gets me down, oh no. The sun will rise tomorrow.
दोस्तों, फतेहजंग जो कि ज़िला अटक की एक तहसील है और पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़ है। इसके एक तरफ काला चिट्टा की खुश्क पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ खैरी मूरत का सरसब्ज व शादाब पहाड़, जिसकी चोटी आसमानों से बातें करती नज़र आती है। ये वो मकाम है जिसे मुर्शिद सरकार ने बहुत पसंद फरमाया। आप कई बार उसकी चोटी पर तशरीफ़ ले गए, बल्कि जब भी झंडियाल सरदार साहबान की दावत पर तशरीफ़ ले जाते तो खैरी मूरत ज़रूर जाते, तकरीबन पूरा दिन ही वहाँ गुजारते। इसकी चोटी पर एक काफ़ी बड़ा मैदान है, वहाँ दरियाँ बिछा दी जाती, बुज़ुर्ग और नौजवान सरकार की महफिल से मुस्तफीज़ होते रहते, जबकि लड़के इस मैदान में धमा चौकड़ी मचाते और गेम्स खेलते। दोपहर का लंगर भी वहीं किया जाता।
ये ऐसा पहाड़ है कि जिस पर चढ़ते चढ़ते तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है। इसकी चोटी से अगर इर्द गिर्द का नज़ारा किया जाए तो कमाल मनाजिर देखने को मिलते हैं। इसके एक तरफ वादी में एक डैम है जिसका नाम तनाज़ा डैम है और इसके साथ ही एक इंतहाई खूबसूरत रेस्ट हाउस भी बनाया गया है, जबकि इस पहाड़ की दूसरी जानब हद निगाह तक गाँव आबाद हैं जिन्हें वहाँ की मकामी जबान में गरां कहा जाता है। हबीब सुल्तान ऑफ शाह सादिक निहंग बुखारी, तहसील शोरकोट, जिन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, और गुलाम अब्बास सियाल ऑफ अहमदपुर सियाल, जिन्होंने टोपी पहन रखी है। दोस्तों,
یہ دونوں اپنے علاقے کے سرداروں میں سے ہیں، سینکڑوں کنال اراضی کے مالک ہیں۔ ان کی تعریف کے لیے مجھے الفاظ بھی نہیں مل رہے، بس اتنا کہوں گا کہ مرشد کریم سرکار دامز اللہ تعالیٰ کے جن کی حقیقی زندگی درد و علم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، کوئی دن ایسا نہ ابھرتا جو ایک نئی مصیبت لے کر تلو نہ ہوتا۔ کیا اپنے کیا غیر، ان کے رویوں کو دیکھ کر صبر کرنا خون کے گھونٹ پینے کے مترادف ہوتا۔ آپ کبھی سرکار کے چہرے کو غور سے دیکھیں اور تھوڑی دیر دیکھتے رہیں، ان کے من کی افسردگی چہرے پر عیاں ہو کر آپ پر غالب ہونے لگ جائے گی، اور شاید پھر آپ درد کی اس شدت کو برداشت بھی نہ کر پائیں۔ آپ ان کی شاعری کو ذرا غور سے پڑھ کر دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے اشعار ایک جوان میت کی صورت میں کاغذوں پر بکھرے پڑے ہوں، اور سمجھ نہ آئے کہ کس کو سینے سے لگایا جائے اور کس کو بوسے دے کر آنکھوں سے لگا لیا جائے۔ معافی چاہتا ہوں، بات کسی اور طرف نکل گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میاں حبیب سلطان اور غلام عباس سیال وہ شخصیات ہیں جن کے دامن میں اور کچھ ہو یا نہ ہو مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کے چہرے پر خوشی دیکھنے اور ان کے لبوں پر مچلنے والے ایک ہلکے سے کہکے کے لیے وہ دونوں وہ سب کچھ کر گزرتے تھے جو کسی عام آدمی کے لیے بھی کرنا مشکل تھا۔ کجا کے وہ اپنے اپنے علاقے کے سردار کرتے، اگر انہیں ہزاروں لوگوں کے درمیان کپڑے اتار کر لنگوٹ باندھ کر برف باری میں بیچ چوراہے پر مزاحیہ انداز میں کشتی بھی کرنی پڑ جاتی تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتے اور فوراً میدان میں اتر آتے تھے۔ کسی وقت وہ مرشد کریم دامز اللہ تعالیٰ کو مسرور کرنے کے لیے اپنے سٹیٹس کو بالائے تاک رکھتے ہوئے دھمال ڈالنا شروع کر دیتے۔ جگت بازی ویسے بھی چنہا یعنی دریائے چناب کے بیلٹ کے لوگوں کی پورے پاکستان میں مشہور ہے، اور سرکار کی خوشی کے لیے وہ جگت بازی میں شرافت کی تمام حدیں عبور کر جاتے تھے۔ میرا ان دونوں کو سلیوٹ جنہوں نے میرے شہنشاہ کو چند لمحوں کی ہی سہی خوشی دی تو تھی۔ زلف ایاز میں کبھی
जुस्तजू क्या है Thank you.
دوستو سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی بزرگوں نوجوانوں اور بچوں سب کے لیے ہی باعث تسکین تھے، یہی وجہ تھی کہ جو بھی ان سے ملتا پھر ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ ویسے تو وہ ہر کسی سے ہی بہت پیار کرتے تھے، لیکن چھوٹے بچوں سے ملتے ہی ان میں ایک خاص قسم کی معصومیت اود آتی اور بچے ان کے ایسے دوست بن جاتے جیسے وہ ان کے ہم عمر ہوں۔ حالانکہ چھوٹے بچوں کی فطرت ہے وہ بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا پسند کرتے ہیں، مگر میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ بچے ان کے پاس آنے کے بعد کہیں جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ شاید ان کی ازلی معصومیت ان معصوم بچوں پر غالب آ جاتی تھی۔ اور عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بچپن میں سرکار سے صرف ایک بار ملے تھے اور پھر 2003 میں سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد اس وقت جوان ہو چکے ہیں، میں نے جب ان لوگوں سے اس ملاقات کا احوال پوچھا تو انہوں نے حرف بہ حرف بتا دیا۔ حالانکہ جوانی کی سرحد میں قدم رکھنے کے بعد بچپن تو ایک خیال ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو خیری مورت پر سیر و تفریح کے بعد سرکار واپس جھنڈیال تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں بہت بڑی تعداد میں چھوٹے بڑے عورتیں مرد ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے پہنچتے ہی مستورات نے قصیدے پڑھ پڑھ کر ان کا استقبال کیا، بزرگوں نے ان سے سارے دن کا حال احوال پوچھا اور پھر رات ہو گئی، اور اس طرح رات انہوں نے اپنے معمولات کے مطابق جھنڈیال میں ہی سردار ظفر صاحب کے گھر میں گزاری۔ سرکار جب بھی یہاں تشریف لاتے تو ہمیشہ سردار ظفر صاحب کے گھر کو زینت بخشتے۔ ان کا گھر دو منزلہ تھا، سرکار نے انہیں فرمایا تھا کہ اوپر والا گھر میرا ہے اور نیچے والا آپ کا ہے۔ اس طرح آج تک وہ کمرہ اور اس کے منصوبات ویسے ہی موجود ہیں۔ جس دن سرکار نے کمرے میں پہلی بار قدم رنجا فرمایا تھا، اس دن کے بعد سے پھر آج تک وہ لوگ اس پورشن کو اپنے پاک مرشد کا ہی گھر سمجھتے ہیں اور اس کے منصوبات کی حفاظت اور دیکھ بھال اور صفائی کے کام کو عبادت سمجھ کے سر انجام دیتے ہیں۔ Oh,
जब चाह तूने रज के रुलाया, जब जब चाह तूने खुल के हंसाया, जब जब चाह तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, जब जब चाह तूने रज के रुलाया, जब जब चाह तूने खुल के हंसाया, जब जब चाह तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, मैं दा तो है रब खो गया, اگلے دن اپنے معمول کے مطابق مرشد کریم دامز اللہ تعالیٰ 10 بجے کے قریب جھنڈیال سے روانہ ہوئے اور یہ قافلہ 11 بجے چمبیلی گارڈن اسلام آباد پہنچ گیا۔ گھنٹہ ڈیڑھ وہاں چہل قدمی، سیر و تفریح اور پٹھو گرم کھیلتے ہوئے گزارا گیا۔ چمبیلی گارڈن کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار جب بھی اسلام آباد تشریف لے گئے تو چمبیلی گارڈن کے سبزے کو سبزہ زار حیات پلانے اور وہاں کے پھولوں کو خوشبو سے معطر کرنے کے لیے چمبیلی گارڈن میں ضرور تشریف لے گئے۔ بعد میں تو یہ حالت ہو گئی کہ وہاں کے مالی بھی آپ کے عقیدت مند اور دوست بن گئے اور وہ بھی دیگر چاہنے والوں کی طرح سارا سال آپ کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ سونے سے کھن کے ساتھ میرے تھا جب میرا، اب تو یہ ویراں ہو گئے، تیرے غم کو مٹاوا کیسے، تجھ کو بھلاوا کیسے، لگی آج بھاوا کیسے، بچھڑے کو پاوا کیسے، دل کی گاگر سے سات ساگر سے چل کے ہے تو کیوں یہ پانچوں دریا بھی حیران ہو گئے، رب
तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल, उसके दिल पर भी तेरे इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी तेरे इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मुहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। दोस्तों, पहले पहल जब किसी को सरकार सैयद मोहम्मद जाफर उज़्ज़मान नकवी अल-बुखारी दामज़िल्लाहु ताला की शख्सियत के बारे में मालूमात मिलती हैं और वो उनकी किताबों और दूसरे लिटरेचर वगैरह की स्टडी करता है, तो उसके दिलो दिमाग में जो उनका रूप उभरता है, उसमें इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि वो ये सोचे कि उन्होंने कभी कोई गाना भी सुना होगा। क्योंकि दीन के ठेकेदारों ने हमारे दिमाग में ये बात फिट कर दी है कि मौसीकी हराम है और इसके सुनने से इंसान गुनाहगार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मौसीकी वो इल्म है जो खालिक अकबर ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मौजज़े में अता फरमाया, जिसे रूह जैसी पाक व पाकीज़ा चीज की खुराक कहा जाता है, जिसे औलियाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम ने जरिया तबलीग बनाया। हाँ, ये जरूर है कि कुरान जैसी पाक व पाकीज़ा किताब भी अगर हक के मुकाबले में बुलंद कर दी जाए तो हुक्म मिलता है कि तीर मार कर इसे गिरा दिया जाए, और हुक्म सादर करने वाली हस्ती भी मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, तो फिर किसी शक व शुबे की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि चीज कोई भी गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल गलत होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार मोहम्मद जाफिर उज़्ज़मान नकवी अल-बुखारी दामज़िल्लाहु ताला जिस वक्त सफर पर रवाना होते तो दौरान सफर गाड़ी में गाने सुनना भी पसंद फरमाते थे, और उन्होंने अपने वफादार साथी मियां मुंतज़िर महदी सियाल ऑफ अहमदपुर सियाल, जो कि उनके ड्राइवर के फराइज भी सर अंजाम देते थे और सरकार की जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ये ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। और ये भी अर्ज कर दूं कि वो अपने इलाके के लैंडलॉर्ड थे, हजारों कनाल अराजी के वाहिद मालिक थे, घर में उनके कितने ही नौकर और ड्राइवर थे, लेकिन खुद वो सरकार के लिए ड्राइविंग को फख्र समझते हुए सर अंजाम देते थे। दोस्तों, मैं ऐसी बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद आज तक सरकार अल सैयद मोहम्मद जाफिर उज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़िल्लाहु ताला की जात के बारे में वर्ताए हैरत में गर्क हूँ। मैं जितना जितना उनको सोचने समझने और खोजने की कोशिश करता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से हैरत के समुंदर में गर्क होता जा रहा हूँ। आपके साथ भी ये तमाम बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप मेरी कुछ मदद कर दें और मुझे समझा दें कि ये कौन थे कि जो भी उनसे मिला उनका दीवाना हो गया, और जो नहीं मिल सका आज तक दीवारों से सर टकराता नजर आता है कि मेरे नसीब में उनसे मुलाकात क्यों न थी। काश मैं एक ही बार सही उनका दीदार तो कर लेता। दोस्तों, मैंने उनके दरवाजे पर फकीर से लेकर शहनशाहों यानी बड़े से बड़े ओहदे और साहेब सरवत लोगों को सर तस्लीम खम देखा है,
समझ नहीं आती कि यह हस्तियां थे कौन। सॉरी, माजरत चाहता हूं, ये मेरा मौजूए गुफ्तगू नहीं है। ना चाहते हुए भी बात फिर कहीं से कहीं निकल गई। अगर कुछ बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे पागल समझकर माफ कर दीजिएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने भाई मुंतजिर मेहदी सियाल, जिन्हें वो प्यार से मन्ना कहकर बुलाते थे, उन्हें 110 गानों की एक लिस्ट दी थी और फरमाया था कि ये कैसेट्स में रिकॉर्ड करवा कर गाड़ी में रख लो, जब भी हम सफर पर जाएंगे तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ सुनते चले जाएंगे। दोस्तों, मैंने वो गीत भाई मुंतजिर से काफी पहले ले लिए थे, लेकिन सोचता ही रहा कि ये मैं आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, और आज ये अमानत भी आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। इन सैर और सियाहत के तमाम प्रोग्राम्स के पीछे गीत चल रहे हैं, उनमें से जिस जिस गीत की वीडियो पर सिलेक्टेड सॉन्ग लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाइएगा कि वो सरकार का सिलेक्टेड गीत है। कुछ दीगर गीत इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि ये सिर्फ 110 गीत हैं और मेरे पास जो सैर और सियाहत का डाटा है वो इनसे कहीं ज्यादा है, और सारे रिकॉर्ड पर ये गीत पूरे नहीं आने थे। और इन दीगर गीतों की सिलेक्शन में डॉक्टर इमरान अली आवान साहब ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं यहाँ उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। Oh,
जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर भी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। इस दुनिया का संग न चाहूं, ना मैं झुमका कंग न चाहूं, जैसे जितना भी हो रंग पिया के रंगना चाहूं, रंग पिया के रंगना। जगी है जब से पिया के
लगी है सारी सारी रात जगी है पिया को ढूंढे पिया को जाए पिया मिलन की देख रहे पिया को ढूंढे पिया को जाए पिया मिलन की देख रहे राह राहे दो गन किया रोगन किया दर्द जुदाई भोगन किया वन किया जावन किया हिजर में तेरे सावन किया कहते पिया जी गाँव को जब से छोड़ दिया जी बावरी मुझको कहते पिया जी गाँव को जब से छोड़ दिया जी लगा है मिस्र का बाजार देखो नई तहजीब के शाहकार देखो लगा है मिस्र का बाजार देखो नई तहजीब के शाहकार देखो लगा है मिस्र का बाजार कहीं सागर उछाला जा रहा है कमर में हाथ डाला जा रहा है खुदा जाने ये बेटी है कि माँ है किसी को होश इतना भी कहाँ है शराफत की जबी पर है पसीना कहाँ डूबा है गैरत का सफीना ओ हो कयामत के है ये आसार देखो नहीं तहजीब के साकार देखो लगा है मिस्र का बाजार ये फैशन ये नजारा
लिबासे आदमियत पारा पारा ये जिस्मों का तिरकना ताल के साथ कयामत चल रही है चाल के साथ कोई इस अर्जुमल में खाक बोले शराफत नाचती है बाल खोले ओ हो नहीं देखा था जो नाचार देखो नई तहजीब के शाहकार देखो लगा है मिस्र का बाजार हवस ने आग भड़काई हुई है अजब दीवानगी छाई हुई है कहाँ तक राह में बच कर चलेगा इन्हीं शोलों में आखिर तू जलेगा न जाने कौन जादू कर गया है तेरी आंखों का पानी मर गया है ओ हो कहाँ गिरती है ये तलवार देखो नई तहजीब के शाकार देखो लगा है मिस्र का बाजार देखो नई तहजीब के शाकार देखो Thank you.
वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया
तलाश मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं
चंबेली गार्डन के बाद सरकार अपने तमाम रुफका को साथ लेकर सितारा कॉम्प्लेक्स तशरीफ ले गए। वहां से शकरपड़ियां और उसके बाद दामन एक कोह से होते हुए सुपरमार्केट इस्लामाबाद में तशरीफ ले आए। सरकार का ये मामूल था कि वो वापसी पर हमेशा सुपरमार्केट में तशरीफ ले जाते, यहां सबसे पहले बुक स्टोर्स पर तशरीफ ले जाते और काफी वक्त लगाते, यानी जितने मरकजी बुक स्टोर उस मार्केट में हैं वहां जाकर छानबीन करके अपने लिए किताबें सेलेक्ट करते और इसी के साथ साथ अपने अफराद खाना और दीगर छोटे बड़ों के लिए तोहफे तहाइफ भी खरीदते और इसके बाद वापस नगरी पाक जमन शाह तशरीफ ले आते। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने चंद एक लोगों का तारुफ करवाया है क्योंकि मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता था और जो शख्सियात रह गई हैं मेरे मालिक ने चाहा तो अगली वीडियोस में उनके बारे में भी कुछ ना कुछ अर्ज करूंगा जितनी मुझे मालिक तौफीक अता करेंगे। हाँ, एक बात आपने जहन नशीन रखनी है कि इन वीडियोस में कमेंट्स के दौरान मैं सिर्फ उस वक्त के जब सरकार सामने मौजूद थे लोगों के बर्ताव या चाल चलन या रवैया कह लें उनको बयान कर रहा हूँ, जबकि नमक हलाली और वफादारी और जानिसारी का इम्तिहान तो सरकार के पर्दा फरमाने के बाद शुरू हुआ है क्योंकि ये इम्तिहान दीन का एक औजब जुज्व है। सरकार के पर्दा फरमाने के बाद कितने लोग तोता चश्म साबित हुए इसका फैसला अभी होना बाकी है क्योंकि बकौल बानी मकसद दामजिल्ला व ताला बाजी होंदिए खात्मे ते, कई जीत गए कई हार गए। दुआ करें कि बानियान मकसद का ये मकसद अजीम जल्दी पूरा हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन।